तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के हवाले से तहरीक लब्बैक के साथ तय पाने वाले हालिया मुआहदे के बाद ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत क्यों कर किसी सफीर की मुल्क बदरी का फैसला कर सकती है जबकि माजी में ऐसी कोई नज़ीर मौजूद नहीं। बाज़ तज़ियाकारों के नज़दीक हुकूमत की जानिब से 20 अप्रैल तक फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से मुतालिक पार्लियामेंट के जरिए कोई हतमी फैसला करने की यकीन दहानी दरअसल तहरीक लब्बैक को इंगेज रखने की कोशिश है। वफाकी हुकूमत के साथ नए मुआहदे के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर को बेदखल करवाने के लिए 16 फरवरी को शुरू होने वाला इस्लामाबाद मार्च मौखर कर दिया है। दूसरी जानिब एक बयान में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि हुकूमत 20 अप्रैल तक फ्रांस के सफीर को मुल्क बदल करने का मामला पार्लियामेंट में पेश करेगी ताहम सिफारती और कानूनी हलकों में इस हुकूमती यकीन दहानी के काबिल अमल होने के हवाले से कई सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे डंग टपाव पॉलिसी या गोंगलों से मट्टी झाड़ने का एक हरबा करार दिया जा रहा है। तजियाकारों का कहना है कि जब हुकूमत ने पिछले 3 महीनों से इस मामले में कोई पेशरफ नहीं की तो 20 अप्रैल तक क्या कर लेगी। याद रहे कि वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर एक ज़िमनी मुआहदा तय पा गया है जिसकी तस्दीक वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने भी की है। ख्याल रहे कि सन 2020 में फ़्रांस में सरकारी सतह पर नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की अशात पर मुस्लिम दुनिया में सख्त रद्दमल आया था। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी इस मज़मूम फ़ेल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज किया था जिसे हुकूमत के साथ 16 नवंबर को एक मुआहदे के बाद ख़त्म कर दिया गया था। इस मुआहदे के 2 रोज़ बाद 19 नवंबर सन 2020 को तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी इंतकाल कर गए थे। नवंबर में हुए इस मुआहदे में तय पाया था कि हुकूमत पाकिस्तान फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदल करने से मुतालिक 3 महीनों में पार्लियामेंट से फैसला लेगी, फ्रांस में अपना सफीर मुकर्रर नहीं करेगी और तहरीक लब्बैक के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करेगी। मजीद ये कि हुकूमत धरना खत्म होने के बाद तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं या कारकुनान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। अगरचे आखिरी 2 मुतालबात फौरी तौर पर मान लिए गए थे लेकिन फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मामला इल्तवा का शिकार था। बाद हज़ार तहरीक लब्बैक ने रवां बरस जनवरी में खबरदार किया था कि हुकूमत ने अगर 17 फरवरी तक तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का वादा पूरा ना किया तो वह अपना एहतजाज दोबारा शुरू करेगी। अलामा खादिम हुसैन रिज़वी के चहलम पर इनके साहबजादे और तहरीक के नए सरबरा साद रिज़वी ने हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर आप अपना मुआहदा भूल गए हैं तो हमारी तारीख देख लें, अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए मर मिटने को मजीद तैयार हैं। आपके पास फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए 17 फरवरी तक का वक्त है। इस अल्टीमेटम के बाद हुकूमत की जानिब से लब्बैक वालों के साथ मुज़ाकरात का डोर डाला गया जिसके नतीजे में हुकूमत ने 20 अप्रैल 2021 तक मजीद मोहलत हासिल कर ली है। इस हवाले से मुआहदे की दस्तियाब नकल के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नामूस रिसालत के मामले पर 16 नवंबर सन 2020 को एक मुआहदा हुआ था जिस पर ताहाल अमल नहीं हो सका। इसमें कहा गया है कि इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान गुज़िश्ता 1 माह से मुज़ाकरात जारी थे जिसमें हुकूमत ने अपने अज़्म को दोहराया और मुआहदे की शिकों को 20 अप्रैल सन 2021 तक पार्लियामेंट में पेश करने का वादा किया है और इस हवाले से फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से किए जाएंगे। फ्रीकैन के दरमियान हुए माहदे के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग फोर्थ शेड्यूल पर डाले गए हैं उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। मजीद ये कि 20 अप्रैल 2021 तक माहदे की रूह के मुनाफी कोई सरगर्मी होने पर यह माहदा मनसूख समझा जाएगा। सामने आने वाले तहरीरी माहदे के मुताबिक इस ज़िमनी माहदे का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे जिसके बाद यह माहदा नाफिज़ुल अमल होगा और इस पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। वाज़ह रहे कि मस्कूरा माहदे पर हुकूमत की तरफ से वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दस्तखत मौजूद हैं जबकि तहरीक लब्बैक की तरफ से इनकी शूरा के नुमाइंदगान गुलाम गौस बगदादी कादरी रिज़वी डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी और गुलाम अब्बास फैज़ी शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने तस्दीक की है कि हमारी टीम तहरीक लब्बैक से बात कर रही थी और इनसे हमारा एक मुआहदा हो गया है। इमरान खान का कहना था कि तहरीक लब्बैक ने फरवरी की जो डेडलाइन दी थी वो 20 अप्रैल तक चली गई है और हम मुआहदे के तहत इनके मुतालबात पार्लियामेंट में रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं तहरीक लब्बैक और अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि किसी हुकूमत ने हुज़ूर ख़ातमुन नबीजीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर इतना वाज़ह मौक़िफ़ नहीं अपनाया जो हमारी हुकूमत ने अपनाया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारी हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी सतह पर यह मौक़िफ़ अपनाया
और वो इसलिए नहीं कि हमें किसी से खौफ था या हमने वोट लेना थे, बल्कि यह मेरा अकीदा है कि मगरबी ममालिक में एक फितना बैठा है जो मंसूबे के तहत नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की नापाक कोशिश करता है, और वह सब इसलिए करता है कि मगरब वालों को समझ नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में किस तरह बसते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैंने पहले दिन से ये मामला OIC और अक़वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उठाया है, और हम कामयाब तब होंगे जब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इस पर खुलकर बोलेंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस मामले पर बात की है। इमरान खान का कहना था कि जब तक 20 से 25 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इस पर बात नहीं करेंगे तब तक हमारी आवाज़ इतनी पुर असर नहीं होगी। हम सब का मकसद है कि ये जो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की नापाक और मज़मूम कोशिश करते हैं, इस पर सब मिलकर कार्रवाई करें। लेकिन ये असर मौसर तब होगा जब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान भी हमारे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।